यो गाइज वेलकम बैक टू देसी ब्लॉग एंड टैक्टिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से देसी ब्लॉग एंड टैक्टिक्स की नई वीडियो में। तो दोस्तों आज स्पीड मोटर्स के ऊंचे सेगमेंट की गाड़ी हम आपको दिखाएंगे, इसमें जिसमें आपकी होगी स्कॉर्पियो होगी और आपकी इको स्पोर्ट होगी, i20 होगी और आपकी TUV 500 भी है, 300 है, 300 है थोड़ी। और आज इसमें ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो भी होगी जो कि ब्लैक कलर की बहुत सारी डिमांड आ रही थी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये रेड कलर का बटन दबा कर एंड उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उसको प्रेस कर लेना ताकि इन फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको। और इस वीडियो को लेकर के आपकी कोई भी क्वारी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, ये मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा है और मैं इंस्टाग्राम पर हमेशा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ तो वहाँ पर रिप्लाई देने की आपको जल्द से जल्दी कोशिश करूँगा। जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो मेरे को जानते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो दोस्तों आज स्पीड मोटर के ओनर जुड़े हुए हमारे साथ अंकित। अंकित क्या हाल है? बढ़िया सर। तो थोड़ी तबीयत ढीली से लग रही है, लड़के को बुखार हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो स्पीड मोटर के बारे में थोड़ी सी बताओ फिर। तो आज उच्च सेगमेंट की हम गाड़ी दिखाने वाले हैं जिसमें स्कॉर्पियो है, कोई स्पोर्ट है, i20 है। तो अपना एड्रेस वगैरह बता दो कोई यहाँ आता है गाड़ी खरीदने के लिए। अगर कोई यूट्यूब से आता है गाड़ी देखने के लिए तो आपको गाजियाबाद आना पड़ेगा उसके लिए। गाजियाबाद? हाँ जी। ओके। गाजियाबाद में पुराने बस अड्डे के पास ही जस्ट हमारा ऑफिस है, स्पीड मोटर्स नाम करके, नियर बाय कालकड़ी चौक पड़ता है। ठीक है। और अदर स्टेट में कोई गाड़ी मंगाना चाहे तो? सर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अदर स्टेट में कोई ट्रांसफर नहीं होते होने से वगैरह? हम ट्रांसफर कर सकते हैं गाड़ी, अगर स्टेट में गाड़ी मंगाता है जो पॉसिबल नहीं, गाड़ी ट्रांसफर करा देंगे गाड़ी आपकी। ट्रांसफर हो जाएगी, उसको खुद आना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ जी सर। NOC कितने दिन में आ जाएगी? 3 दिन में आकर NOC आ जाएगी आपकी। 3 दिन में? हाँ जी। ओके। और दिल्ली NCR वालों के लिए कोई फैसिलिटी वगैरह आपके यहाँ? हाँ, दिल्ली NCR के लिए आपके लिए लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे यहाँ। कितने परसेंट हो जाता है? 70%। 70% दिल्ली और NCR वालों के लिए लोन कर देते हैं यहाँ पर। उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या हो जाएंगे? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, 2 फोटो, 1 बिजली बिल, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, 3 मंथ सैलरी स्लिप। ठीक है। और जो हमारे व्यूवर्स की कमेंट वगैरह आती है कि गाड़ी एक्सीडेंटल पेपर वगैरह ओके या कोई मीटर बैक, इसकी कुछ बताओगे? हमारे यहाँ कार वाले से फ्रेंचाइजी है, कार वाले से अटैच है हमारे यहाँ, तो हमारी गाड़ी सर्टिफाइड और गाड़ी की वारंटी मिलती है। अच्छा। तो नॉन एक्सीडेंट का सवाल पैदा नहीं होता हमारे यहाँ। मीटर बैक वगैरह? मीटर बैक भी नहीं होता हमारे यहाँ, जनरल मीटर होता है। इनके जेन्युइन मीटर के साथ आपको गाड़ी मिलेगी। तो दोस्तों आज इसमें 5 गाड़ियां 6 गाड़ियां हम दिखा रहे हैं आपको, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पर मिलेगी स्पीड मोटर्स में। तो इस वीडियो को पूरी देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, 1 लाख से मोटिवेशन मिलता है और काम करने में अच्छा लगता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये खड़ी है UP 14 नंबर, देख सकते हैं इसको, और i10 है जो कि बढ़िया कंडीशन में खड़ी है, 2011 मॉडल है। और ये जो गाड़ी चली हुई है 70,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, फर्स्ट ओनर है। तो इसकी कंडीशन वगैरह आपको मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले, तो देख सकते हैं इसके टायर वगैरह देख सकते हैं, बाकी गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया गाड़ी है। और पीछे से दिखा देता हूँ तो देख सकते हैं ये CNG on paper है, ये CNG on paper है। i10 स्पोर्ट्स वर्जन में आपको मिल जाएगी। अंदर से गाड़ी की कंडीशन देख लेते हैं, थोड़ा इंटीरियर वगैरह देख लेते हैं। तो ये है इसका अंदर से इंटीरियर गाड़ी का, इसमें कंपनी फिटेड है, आफ्टर मार्केट कुछ नहीं अभी तक। और लेदर में ब्लैक कलर की सीटें देख सकते हैं आपको मिल जाएंगी यहाँ पे दोस्तों। तो ये मिलेगी 2 लाख रुपए की यहाँ पे, और ये जो 2 लाख रुपए ये भी नेगोशिएबल है प्राइस, इसको कंडीशन आपने देख लेगी गाड़ी की, और इसके टायर वगैरह देख ले कितने बढ़िया हैं। तो ये 2 लाख रुपए की यहाँ पर मिल जाएगी आपको स्पीड मोटर पर। ओके गाइस, तो स्पीड मोटर की गाड़ियों की स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं हम, जो कि सबसे पहले इस गाड़ी को देख सकते हैं कंडीशन गाड़ी की। एंड ये जो गाड़ी है ये UP 14 नंबर है, जो कि आप इसका नंबर देख सकते हैं गाड़ी का, ये नंबर है। एंड अब इसके बारे में जानते हैं अंकित भाई से, तो अंकित इसके बारे में बता गाड़ी के बारे में। ये गाड़ी TUV 300 है, 2016 मॉडल है, 2016 मॉडल है, TUV 300। ओके। ये फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर। ओके। इसकी डिमांड 5.5 लाख रुपये की है। ये गाड़ी चली आपकी 61,000 चली है गाड़ी, और जो इसकी डिमांडिंग प्राइस कर रहे हैं यहाँ पर 5.5 लाख रुपये। हाँ। 5.5 लाख रुपये की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और 2016 मॉडल है, तो गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं। एंड अब इसकी पीछे से बैक साइड से मैं आपको बाहर की कंडीशन दिखा देता हूँ, कहीं गाड़ी में स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। तो इसकी कंडीशन आप पीछे से भी देख सकते हैं गाड़ी की कितनी बढ़िया कंडीशन है। एंड अब चलते हैं इसके अंदर इंटीरियर की तरफ, उससे पहले इसके टायर देख सकते हैं हम गाड़ी के चारों टायर आपको यही कंडीशन में मिलने वाले हैं। बाकी अब इसका अंदर से मैं इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको, कितने सीटर हैं। तो दोस्तों इसका डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हैं गाड़ी का। एंड
इसका यहाँ देख सकते हैं इसमें सब चीज़ कंपनी फिटेड मिल जाएगी आपको, बाकी गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, पेपर वगैरह ओके मिलेंगे आपको। यहाँ पर देख सकते हैं क्रीम कलर में सीटें मिलेंगी और साथ में लेदर में है। ये डीजल में पेट्रोल में? डीजल में। एवरेजिंग पॉइंट क्या इसकी? 18। तो दोस्तों देख सकते हैं आप जो हमने प्राइस बताया था नेगोशिएबल बताया था, और जो हमने प्राइस बताया था वो आपको नेगोशिएबल बताया था। बाकी आज मैं इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ आपको, चार पांच। अब बात कर लेते हैं इस वाली गाड़ी की, स्कॉर्पियो गाड़ी जो कि सिंगम रिलीज होने के बाद फेमस हुई थी। तो ये भी UP 14 नंबर है, इसका देख सकते हैं नंबर BQ02000। तो इस अंकित इस स्कॉर्पियो के बारे में बता। ये स्कॉर्पियो 12 मॉडल है। 12 मॉडल है, ओके। इसकी डिमांड 5.5 लाख रुपये, 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये की डिमांड है इसके। हाँ जी। और ओनर क्या है? फर्स्ट ओनर है। रनअप किस कितना इस गाड़ी का? 64। तो दोस्तों देख सकते हैं 64,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, फर्स्ट ओनर है, पेपर वगैरह ओके मिलेंगे। डीजल में दोस्तों आप इसका तो एवरेजिंग जानते हैं कितना एवरेज देती है गाड़ी। बाकी इसके टायर देख सकते हैं हम गाड़ी के, एंड इसकी पीछे से कंडीशन देख सकते हैं। ये VLX वर्जन में आपको यहाँ पर मिलेगी। बाकी अब इसका चलते हैं अंदर इंटीरियर की तरफ गाड़ी के, तो अंदर से इसका इंटीरियर देख लेते हैं गाड़ी का। तो देख सकते हैं अंदर से इसका इंटीरियर, इसका डैशबोर्ड वगैरह आप देख सकते हैं गाड़ी का, ये डैशबोर्ड हो जाएगा। बाकी इसमें जो भी मिलेगा कंपनी फिटेड है। तो देख सकते हैं इसके अंदर से, और इसमें भी आपको लेदर में सीटें मिलेंगी, जिसकी देख पा रहे होंगे आप कितना बढ़िया अंदर से इसका इंटीरियर है गाड़ी का और कितनी बढ़िया है। अब इसका जो हमने प्राइस बताया आपको, जो भी नेगोशिएबल बताया, नेगोशिएबल प्राइस हमने बताया, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी दो तीन गाड़ी और दिखाता हूँ बड़ी बड़ी। दोस्तों वो जो स्कॉर्पियो थी वो थी ब्लैक कलर में, और ये है वाइट कलर में, लेकिन वो गाजियाबाद नंबर थी, और ये जो नंबर है नोएडा नंबर है, UP 16 नंबर है, और ये भी आपको यहाँ पर VIP नंबर के साथ में मिल रही है। तो अंकित इसके बारे में बताना भाई। ये 11 मॉडल है। ये 11 मॉडल है, वो 12 मॉडल थी जी, ये 11 मॉडल है। तो इसकी डिटेल्स वगैरह दे। इसकी डिमांड 4,60,000 रुपये है, ये टॉप मॉडल है। 4,60,000 रुपये इसकी डिमांड है। फर्स्ट ओनर है। चली कितनी है? ओनली 54,000। और ये गाड़ी 54,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, और जो मैंने प्राइस बताया वो नेगोशिएबल बताया, बाकी बढ़िया कंडीशन में खड़ी है, नॉन एक्सीडेंटल है, और पेपर वगैरह ओके मिलेंगे। तो देख सकते हैं इसके एवरेजिंग वगैरह तो आप जानते हैं, 12 से 14 का एवरेज गाड़ी देती है स्कॉर्पियो। बाकी कंडीशन आप देख सकते हैं, और ये स्पीड मोटर पर 4 सेल के लिए खड़ी है। बाकी पीछे से कंडीशन देख सकते हैं इस गाड़ी की, तो ये कंडीशन है। ये भी VLX वर्जन में आपको यहाँ पर मिल जाएगी, वो 2012 थी, ये 2011 है, और वो 64,000 किलोमीटर चली थी गाड़ी, और ये चली 54,000 किलोमीटर। अब इसका मैं आपको अंदर से इंटीरियर दिखाता हूँ गाड़ी का। तो पहले इसके अंदर से आप सीटें वगैरह देख सकते हैं, इसमें भी आपको लेदर में सीटें मिलेंगी, और साथ में यहाँ पर बैठने में आपको AC मिल जाएगी गाड़ी में। और इसका आप अंदर से देख सकते हैं, इसमें जो भी चीज़ें कंपनी फिटेड है, चाहे इसकी AC हो चाहे म्यूजिक हो, और वो भी वर्किंग आपको मिलेगा। और रूफ़ वगैरह देख सकते हैं इसकी गाड़ी की, और जहाँ पर मैं बैठा हूँ कितना क्लीन अंदर से पीछे से देख सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम वगैरह इसमें अंदर से बिल्कुल क्लीन गाड़ी है, फिट गाड़ी एकदम, और लेदर में सीटें मिलेंगी आपको इसके यहाँ पर। और ये जो गाड़ी है ये नॉन एक्सीडेंटल है, पेपर वगैरह आपको यहाँ पर ओके मिलेंगे इस गाड़ी के। बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसको, और जो हमने प्राइस बताया था आपको नेगोशिएबल बताया था, बाकी यहाँ पर आए डील क्रैक करें, कम से कम जितना होगा उतना ये करेंगे। तो दोस्तों ये खड़ी है इको स्पोर्ट, जिसका नंबर है UP 13, और ये आपको AL 7505 की उसमें मिल जाएगी। तो ये कौन सा मॉडल है? 14 मॉडल। 14 मॉडल है। रनअप कितना है गाड़ी का? कितनी चली है? 74,000 चली है। और इनकी खास बात ये है कि यहाँ पर आपको मीटर बैक नहीं मिलेगा, गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं मिलेगी। ओनर कितना है? फर्स्ट ओनर है, ओके। डीजल में? डीजल में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एवरेजिंग क्या है इसके अंकित? 15-16 का एवरेज दे दिए गाड़ी। तो इसकी डिमांडिंग प्राइस बात कर लेते हैं। 5.5 लाख रुपये। 5.5 लाख रुपये की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी टायर देख सकते हैं हम गाड़ी के, इसके टायर वगैरह देख सकते हैं, और पीछे से मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ इस गाड़ी की। ये है कंडीशन देख सकते हैं, और आप चलते हैं अंदर इसके इंटीरियर की तरफ।
तो देख सकते हैं अंदर से इस गाड़ी का इंटीरियर देख सकते हैं, डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हैं, और उसमें जो भी मिलेगा आपको कंपनी फिटेड मिलने वाला है। बाकी इसकी जो सीटें मिलेंगी आपको कपड़े में मिलेंगी और बहुत ही बढ़िया अंदर से हैं, देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है गाड़ी, अंदर से भी परफेक्ट कंडीशन में आपको यहाँ पर मिल रही है। जो हमने प्राइस बताया नेगोशिएबल, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने दो चार गाड़ियाँ इसमें आपको दिखा दी। अब ये इस वाले की बात कर लेते i20 की, क्योंकि हम ऊंचे सेगमेंट की गाड़ी दिखा रहे हैं इनके पास में। तो ये UP16 नंबर है और ये भी VIP नंबर के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाए i20 वाइट कलर में। तो कौन सा मॉडल है ये? 14 मॉडल है, वाइट कलर में देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन कितनी चली है, 61,000 किलोमीटर गाड़ी चली है और कंडीशन देख सकते हैं गाड़ी की बढ़िया कंडीशन में आपको यहाँ पर मिल रही है। और ये आस्था वर्जन में आपको यहाँ पर मिल जाएगी, UP16 नंबर है। तो अब चलते हैं इसके अंदर, सीटें वगैरह देखते हैं, इंटीरियर देखते हैं इस गाड़ी का। तो पीछे से देख सकते हैं पहले, और आपको लेदर में मिलेंगी इसकी सीटें जो कि आप देख पा रहे होंगे, और साथ में यहाँ पर AC का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी देख सकते हैं अंदर से, यहाँ से इसके इंटीरियर देख सकते हैं पूरी का। और इसमें आफ्टर मार्केट अभी कुछ नहीं लगा हुआ है, जो चले जेन्युइन चलिए, गाड़ी फर्स्ट ओनर है, नॉन एक्सीडेंटल है, और पेपर वगैरह ओके मिलेंगे। कितने एयरबैग हैं इसमें? 4 एयरबैग के साथ में आपको यहाँ पर मिल रही है। और इसका प्राइस कितना है? 5.5 लाख रुपए की आपको यहाँ पर मिल जाएगी ये गाड़ी, दैट इज नेगोशिएबल। तो दोस्तों मैंने अंकित के साथ में मिलकर आपको इनकी 5-6 गाड़ियाँ दिखाई हैं, कोई सी भी गाड़ी आपको पसंद आती है तो यहाँ पर आए, डील क्रैक करें। जो भी इंक्वायरी है तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस मुझे दे इजाज़त, क्योंकि स्पीड मोटर का मैं स्टॉक टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ, तो तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। मैं मिलता हूँ इसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।